नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में 25वें अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर पर पथोर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें मेरठ जोन के 9 जनपदों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम और अहलावत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खतौली पर कुल 12 मैच आयोजित किए जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और सभी का उत्साहवर्धन करते हुए मैच को खेल भावना से खेलने की अपील की। इस दौरान जनपद क्रीड़ा अधिकारी लक्ष्य त्यागी, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अपराध प्रशांत कुमार प्रसाद, पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी नई मंडी फुगाना, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसमें आज शुभारंभ हो रहा है, हमारे मुजफ्फरनगर को इसको होस्ट करने का मौका मिला है, शोसा प्राप्त हुआ है। तो हम लोग इस पे दो ग्राउंड्स में ये मैच होना है, यहाँ पे होना है और खतौली में होना है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मैच बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, फेयर माहौल में हो, उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल फेयर अंपायर्स अंपायरिंग के लिए पूरी व्यवस्था करवाई। जितने भी हम लोग मैक्सिमम अपने स्तर से, जनपद स्तर से जितनी भी हम लोग कोशिश हो सकती है, अच्छी कोशिश की जा रही है कि एक अच्छा टूर्नामेंट हो, स्पोर्ट्स की यूपी पुलिस में स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट हो, एक हेल्थ और फिटनेस के प्रति जो एक हम लोगों के अपने विचार हैं उससे भी थोड़ी सी एक शक्ति मिले। मैं सभी आप लोगों के माध्यम से सभी टीम्स को कंग्रेचुलेट भी करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये टूर्नामेंट उतना ही अच्छा होगा, सफल होगा, इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किस जनपद से यहां पर टीम पहुंची है? इसमें पूरे मेरठ जोन से टीम्स हैं, इसमें 11 टीम्स खेल रही हैं, मेरठ जनपद पूरी मेरठ जोन है यहां पर। तो इसका शुभारंभ अभी हुआ है और ये 12 तारीख तक चलेगा, 12th को फाइनल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।